देख लिया चौपा लिया सब बड़ा बडेरा सब बड़ा बडेरा वो जी सब लोग लगाया वो जी काकरिया ने सजाया वो जी चौपाल देख बड़ा सबड़ा भाया और बैणा ने राम राम। भाया बैणा आपनो भारत देश संसार को सबसे बड़ो लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र को मतलब आप अच्छी तरह जाना है कि जनता को शासन जनता के द्वारा और जनता के लिए सरकार और जनता के बीच में कड़ी को जो काम करे है वो करे है जनप्रतिनिधि। जनप्रतिनिधि के माध्यम से जनता की भावना ने जनता की जरूरत ने सरकार समझे माँ के अनुसार नीति बनावे माँ के अनुसार काम करवा की कोशिश करे और बाकी जो नीति ने जनता तक पुगावा को काम करे है जनप्रतिनिधि। तो ई बखत आपने सरकार की केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं कौन कौन सी हैं वे किन तरह काम कर रही हैं इसकी तमाम जानकारी देर आज आपने बीच में जो मेहमान है माँ कोलकाण में करा दूँ। आज आपने बीच में है जयपुर शहर का लोकप्रिय सांसद श्री रामचरण जी बोरा साहब। राम राम साहब। राम राम साहब। बोरा साहब आपको कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहली तो मैं थाने बधाई देवो चाहूँ कि जनता थाने एक बार नहीं बल्कि दूसरी बार सांसद के रूप में चुने हैं और निश्चित रूप था कि कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां और जनता को प्यार था के प्रति रहो है जो थाने दूसरी बार लोकसभा में पहुँचावा को काम करो है। तो वे अशान का कौन सा काम हा था के पहला पहला कार्यकाल का को जो थाने दूसरी बार विजय हासिल कराई। सबसे पहले मैं जनता को दूरदर्शन के माध्यम से बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे दूसरी बार सांसद बनने का और संसद में अपनी बात रखने का मौका दिया है। जहाँ तक सवाल विकास कार्यों का है जयपुर में जिस तरह से पिछले कार्यकाल में चाहे वो पानी का काम हो चाहे वो बिजली का काम हो चाहे वो शिक्षा का काम हो स्वास्थ्य का काम हो हर क्षेत्र में काम करने का मुझे मौका मिला और जयपुर की जनता का पूरी तरह से सेवा करने का काम मिला। मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को माननीय हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री जी को जिन्होंने स्मार्ट सिटी में जयपुर को शामिल करा के और लगभग 2400 करोड़ रुपए का काम यहाँ जयपुर के को स्मार्ट सिटी बनाने का काम का मौका दिया। आज स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है और लगभग काफ़ी काम स्मार्ट सिटी के तहत हुआ है चाहे लाइट डेकोरेशन का काम हो चाहे डक्टिंग का काम हो चाहे रोड बनाने का काम हो। हमारी जो हेरिटेज सिटी है जयपुर उस हेरिटेज सिटी को संरक्षण करने का उसका काम हो हर दशी से हमने इसका काम किया है। हमने अमृत योजना के तहत सीवरेज लाइन का काम किया और पर्यटन की दृष्टि से हमारे जो तीन चार स्थल हैं मेन प्रमुख स्थल है उन स्थलों को डेवलपमेंट करने का काम किया है। आज हम जयपुर को स्वच्छ जयपुर बनाने का काम ग्रीन जयपुर बनाने का काम जिस तरह से हमने वृक्षारोपण करके काम किया है और अभी हाल फिलहाल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से जो घोषणा की है प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने की जी 2 तारीख से और 31 अक्टूबर तक 2 अक्टूबर को माननीय गांधी जी की जयंती का 150वां वर्ष हम मनाने जा रहे हैं और 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जयंती दिवस है। इस 1 महीने के अंदर हम जन जागरण अभियान चलाकर और प्लास्टिक मुक्त स्वच्छ जयपुर बनाने का काम ग्रीन जयपुर बनाने का काम करेंगे। हमने इस काम के लिए प्लास्टिक में कोई सामान लेकर कोई किसी भी दुकान पे जाए वो सामान प्लास्टिक की थैली में लेकर जाता था उसको प्लास्टिक के बजाय हम कपड़े के थैले उपलब्ध कराएंगे और कपड़े के थैले उपलब्ध कराकर और उसकी आदत में वो संवार हो इसके लिए एक बतौर कुछ अवेयरनेस डेवलप करने के लिए हम हमारे जब 2 तारीख से हम सांसद पदयात्रा का काम हर विधानसभा में 10 किलोमीटर प्रतिदिन चलकर और 16 दिन तक मेरी आठ विधानसभाएं हैं उन 8ों विधानसभाओं में 1 विधानसभा को 2 दिन में काम करने का काम किया है। इसमें हम किसी मंदिर से या कोई ऐसा धार्मिक स्थल हो या ऐसा कोई शैक्षणिक स्थल हो वहाँ से हम चालू करेंगे और धार्मिक या शैक्षणिक स्थल होगा वहाँ पर उसको पूरा करेंगे तो एक जन
जन धारणा को संबोधित करके प्लास्टिक मुक्त कैसे हो सकता है उसके लिए अवेयरनेस डेवलपमेंट का काम करेंगे। हमारा पर्यावरण फ्रेंडली आदमी बने इसके लिए वृक्षारोपण के काम के लिए उनको अवेयरनेस डेवलप करने का काम करेंगे। कचरा मुक्त प्लास्टिक मुक्त भारत हो इसके लिए हम उनको आह्वान करेंगे। और अन्य प्रकार के जो हमारे काम हैं, जैसे अभी प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ, हमारे माननीय गृहमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने जो काम 70 साल में सरकारें नहीं कर पाई वो 48 घंटे में 5 और 6 अगस्त को राज्यसभा में प्रस्ताव पास कराना और फिर लोकसभा में प्रस्ताव पास कराना और वो भी 370 मतों के आधार पर जी प्रस्ताव पास कराना, 2/3 मेजोरिटी से राज्यसभा में प्रस्ताव पास कराना और धारा 370 जो एक अभिशाप था उस अभिशाप को ख़त्म करने का काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने किया है। उस बात को नीचे स्तर तक की 370 खत्म होने के बाद विलोपित होने के बाद में कश्मीर जम्मू कश्मीर की लद्दाख की जनता को क्या लाभ होने वाला है, क्या उनके डेवलपमेंट होने वाले हैं, किस तरह से उनकी जो आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं उस आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम करेंगे, क्या वहाँ पर विकास के काम होने वाले हैं, एक अलग से पैकेज बनाकर माननीय प्रधानमंत्री ने देने का काम किया है। तो मैं समझता हूँ कि जो हम कहते थे कन्याकुमारी से कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, एक है जी, वो 70 सालों में दो निशान दो प्रधान दो विधान चलते थे उन बातों को ख़त्म करने का काम माननीय प्रधानमंत्री ने किया है। और हमारे तत्कालीन जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्होंने कहा कि एक देश में दो विधान दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे और इसकी यात्रा उन्होंने जम्मू कश्मीर में निकाली और उनको गिरफ्तार किया गया और संदिग्ध अवस्था में उनकी मौत हो गई। आज सरदार भाई वल्लभ पटेल को 452 रियासतों को एकत्रित करने का काम दिया गया था, उन्होंने 452 रियासतें भारत में विलय करने का काम किया। तत्कालीन वहाँ के राजा हरि सिंह जी ने महाराजा हरि सिंह जी ने उस समय एग्री नहीं हुए, बाद में उन्होंने भारत पे विलय करने का हस्ताक्षर किए। उसके बाद यूएनओ में ले जाने का काम तत्कालीन प्रधानमंत्री ने किया, वो क्यों किया और आज उसी की सजा 70 साल तक भोगते रहे जी। लेकिन वो आज प्रधानमंत्री जी ने वो सारी बातें ख़त्म करके 48 घंटे में जो 70 साल की दुविधा थी, जो लोग परेशान थे, जो हमारा भारत का मुकुट है उसके लिए हम कश्मीर भारत का अभिन्न अंग ये कहा करते थे, उसको आज़ाद कराने का काम किया है। और 15 अगस्त को पूरे देश में जो कश्मीर से कन्याकुमारी भारत एक तिरंगा पहनाया गया, दो निशान का था वो ख़त्म हुआ, दो प्रधान था उसकी बात ख़त्म हुई, दो विधान थे उसकी बात ख़त्म हुई। तो मैं देश के प्रधानमंत्री जी को देश के गृहमंत्री जी को और यहाँ की जनता को जिन्होंने सब लोगों को चुनकर 303 सांसद चुनकर भेजे, आज उसकी ताकत के अनुसार जनता की ताकत के हिसाब से माननीय प्रधानमंत्री ने काम किया, इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूँ। बिल्कुल आ तो है ही कि भाई जो वो जो बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ो काम हुआ है, एक ही खुशी तो आपने पूरे भारत देश में ही है और भारत देश में ही नहीं, अब बार जो प्रधानमंत्री जी अमेरिका में जो कार्यक्रम कर रहे हैं ह्यूस्टन में उनमें भी देख बने मिली, एक ही तो खुशी जग जाहिर है। लेकिन प्रधानमंत्री का जो वक्तव्य आया, हाँ, उस वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि एक दिन ट्रंप जी आपने मेरा आपके परिवार के साथ मुलाकात कराई थी, आज मैं मेरे परिवार के साथ मुलाकात करा रहा हूँ या 50,000 भारतीय बैठे हैं उनके साथ मुलाकात करा रहा हूँ। तो भारतीयों का जो सीना गर्व से फूला है और जो 56 इंच की सीने की जो बात भारतीय करता है जी, उसमें कोई संदेह नहीं रहा है। हमारे प्रधानमंत्री लौह पुरुष हैं और जो ठानते हैं वो करके दिखाते हैं, जनता के हित में काम करते हैं, गरीबों के हित में काम करते हैं। जो महिलाएँ जो मुस्लिम महिलाएँ थी वो आज तक परेशान थी, ट्रिपल तलाक का जो था उस कानून को ख़त्म करने का काम किया। आज मुस्लिम महिलाएं जिस तरह से खुशी की लहर मुस्लिम महिलाओं में दौड़ी है, मैं समझता हूं कि इससे बड़ा अभूतपूर्व काम हो नहीं सकता जी। प्रधानमंत्री जी ने इन विगत 100 दिनों में जिस तरह का जो काम किया, महिलाओं के जिस तरह से रसोई गैस का काम था उज्ज्वला गैस योजना, 8 करोड़ महिलाओं को गैस का चूल्हा सिलेंडर देने के माननीय प्रधानमंत्री ने लक्ष्य रखा, उस लक्ष्य को प्राप्त करने का काम अब इन 100 दिनों में काम हुआ है। मैं समझता हूँ कि आज जो महिला ग्रामीण क्षेत्र में रहती थी ग्रामीण अंचल में रहती थी उन महिलाओं के खाना बनाते समय चाय बनाते समय दूध गर्म करते समय जो आँखों में आंसू आते थे, गीली लकड़ियों से चूल्हा चलाना पड़ता था, आज उन महिलाओं 8 करोड़ महिलाओं को जो आज एक सुखी प्राप्त हुई, उनकी आँखों में अंधता के रोग से निवारण का काम हुआ है, हस्तमा का रोग से निवारण का काम हुआ है और हमारी आज की माँ बहनें
जिस तरह से प्रधानमंत्री को एक अंतर्मन से आशीर्वाद दे रही हैं, वो आज उसी का ये देन है कि आज हम 370 उनमें ताकत आई है, उनके आशीर्वाद से प्रधानमंत्री को संबल मिला है, जो 370 का ख़त्म करने का काम, विलोपित करने का काम किया, 35 MA जिस तरह से आज एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हमारी बेटियां जाती है शादी होकर, उसका उत्तर पूरे भारत में एक है, बल्कि जम्मू कश्मीर में जो महिलाएं, जो बेटियां थी वो दूसरे स्टेट में अगर शादी करके चली जाती थी तो उन महिलाओं को उनका अधिकार ख़त्म कर दिया जाता था। आज उन महिलाओं का अधिकार सुरक्षित अगर करने का काम किया है तो 35A हटाने के बाद हमारे माननीय गृहमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री ने काम किया। चलिए MP साहब, वो तो अध्याय अब समाप्त हो गया, उनकी तो चर्चा अब बहुत हो चुकी, अब जो आपने जो सरकार नहीं, आपने ये कहा कि अध्याय खत्म हो गई, अध्याय खत्म नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ कि ये बात नीचे स्तर तक, नीचे अंतिम छोर के व्यक्ति तक ये बात पहुँचे कि 370 क्या थी जी, 35A क्या था और इस समस्या का निवारण करने वाला कौन है। 70 साल में कोई पैदा नहीं हुआ, ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपनी ताकत से, अपनी इच्छा शक्ति के आधार पर इस काम को पूरा किया है जी। आज सैनिकों का मनोबल बढ़ाने का काम किया है तुम्हारे माननीय प्रधानमंत्री, आपने देखा होगा अभी सेकंड चंद्रयान का जो वहाँ पर उतरना था जी, और किसी कारण से कोई प्रॉब्लम आई तो माने प्रधानमंत्री ने उनको कहा नहीं ठीक करेंगे इसको, जनता आपके साथ खड़ी है। तो इस तरह का मनोबल बढ़ाने का, हमारे वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ाने का काम अगर कोई कर रहा है, सैनिकों का मनोबल बढ़ाने का कोई काम कर रहा है, हमारे जनप्रतिनिधियों का मनोबल बढ़ाने का कोई काम कर रहा है, तो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी। बिल्कुल, हिम्मत तो कोई शक ही कौन है कि प्रधानमंत्री जी की जो भी नीतियाँ बनावे हैं और वहाँ की जो कार्यशैली है वो हमेशा आपने यहाँ लगा कि प्रधानमंत्री जी बिल्कुल आपने नेड़े ही बैठा है, बिल्कुल आपने देख रहा है और आपने बात सुन रहा है। और कौन सी ऐसा की नीतियाँ जो दूसरा कार्यकाल में केंद्र सरकार बनाई है जन कल्याणकारी? देखिए मेरे संसदीय क्षेत्र में आज पानी की जबरदस्त समस्या है और इस समस्या का निवारण करने के लिए तत्कालीन सरकार ने हमारे प्रधानमंत्री को राजस्थान ईस्टर्न कैनाल योजना का प्लान बनाकर दिया और राजस्थान ईस्टर्न कैनाल योजना से हमारे 13 जिले इसे लाभान्वित होने वाले हैं। आपने देखा होगा इस बार वर्षा इंद्रदेव की काफ़ी यहाँ पर मेहरबानी रही, राजस्थान में नहीं पूरे भारतवर्ष में मेहरबानी रही, जहाँ सूखा रहा जैसे बीकानेर संभाग में इस बार बारिश नहीं हो पाई, तो ऐसे संभागों के लिए अलग से योजना बनाने का काम माने हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री ने किया और प्रधानमंत्री जी को उसका DPR बनाकर और उसका काम किया, 37,000 करोड़ का प्लान को बनाकर दिया। मैं समझता हूँ कि हमने प्रधानमंत्री से जो नई जल शक्ति योजना केंद्र बनाया, वो मंत्रालय बनाया है, उस मंत्रालय के आधार पर जल्दी ही हमारा ईस्टर्न कैनाल योजना मंजूर होगी और मंजूर होने के बाद में हमारा रामगढ़ बांध, जहाँ नौकायन 82 में जब एशियाड खेल हुए तो नौकायन होती थी, आज वो अतिक्रमण के खाते उसके खंड रुक रहे हैं और हमने पार्लियामेंट में इस बात को उठाने का भी काम किया है। अच्छा। और पार्लियामेंट उठाने के बाद में राजस्थान पत्रिकाओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने अपने लेख पर लेख भी लिखे हैं और बात भी रखी है, और सभी पत्रिकाओं को भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस बारे में लिखे जी, ताकि एक अवेयरनेस डेवलप हो, सरकार पर एक अंकुश लगे और ये जो अतिक्रमण हो रहा है, अभी तत्कालीन हमारे UDH मंत्री जो या राजस्थान सरकार के, उन्होंने भी कहा है कि जल्दी ही रामगढ़ बांध का जो अतिक्रमण है उसको हटाएंगे और आने वाले टाइम पर रामगढ़ में बवस पानी आए उसका काम करेंगे। हमारा यहाँ का जो मशहूर मावटा, आमेर का मावटा है, उस पर दीवार खड़ी करने का काम कर दिया ताकि पानी का आवक रुक गई, ऐसे आवकों को हटाकर, अवरुद्धों को हटाकर वापस पुनर्भरण का काम हम करेंगे तो काम होगा। तो रामगढ़ को पुनर्जीवित करने का काम करेंगे। हमारा कालक बांध है जिससे लगभग 10,000 किसानों को इसका फ़ायदा होता है, वाटर टेबल ऊपर होता आता है तो फ्लोराइड से मुक्त पानी मिलता है, तो इस तरह का काम हम करेंगे। तो ये दोनों काम हम करेंगे ताकि हमारा जो जयपुर का पेयजल का जो संकट है वो उस संकट का निवारण हो सके। माननीय प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली एक और है, वे कहेगा बड़ी बड़ी बातें तो कर ही है लेकिन छोटी छोटी बातों पर भी उतरो पूरा ध्यान देवे। अब कहेगा सांसद ने एक एक गाँव चुनबा को वे एक प्रकार से कहो कि भाई एक गाँव चुनो, आदर्श गाँव बनाओ। ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पिछले कार्यकाल में 16 लोकसभा में हमने 3 गांवों का चयन किया था, भापुरा जो गुजरों का गांव है
वहाँ पर बेटियों की संख्या कम थी, उसका भी हमने वहाँ पर अवेयरनेस डेवलप करने का काम किया और धीरे धीरे रेशो बराबर में आ रहा है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जी जो माननीय प्रधानमंत्री का काम है उसको भी हमने पूरा करने का वहाँ भापुरा में काम किया है। आज वहाँ पर जेंडर रेशो इक्वल आ रहा है। पानी की वहाँ ज़बरदस्त समस्या थी, 5 करोड़ की लागत से हमने दूसरी जगह से ट्यूबवेल बनाकर उस गांव को पानी दिलाने का काम किया। तो आज हर आदमी के मन में यह है कि अगर ये सांसद आदर्श गांव के तहत ये गांव गोद नहीं लिया जाता तो इसमें पानी नहीं आता, मीठा पानी नहीं आता जी। पर दूध में पानी डालते ही या पानी में दूध डालते ही वो दूध फट जाता था, ऐसी अवस्था थी। पानी पीने को मिल रहा था, जानवरों को पानी पीने को नहीं मिलता था। आज हमने वहाँ पर रोड नेटवर्क अच्छा किया, पानी का काम अच्छा किया, शिक्षा क्षेत्र में काम किया, स्वास्थ्य क्षेत्र में काम किया, पशु चिकित्सालय क्षेत्र में काम किया, वहाँ पर अनेक प्रकार की योजना लाकर और वहाँ पर काम किया और कैसे लोगों को और रोज़गार मिले इसके लिए भी वहाँ पर अलग अलग एजेंसियों को ले जाकर वहाँ पर एजुकेशन दिलाने का काम किया ताकि लोगों का रोज़गार बढ़े जी। रोड नेटवर्क की वजह से नींव होने की वजह से अपना कृषक अपना माल मंडियों तक नहीं ला पाता था, रोड नेटवर्क अच्छा हो गया तो अब अपना माल जो खेती में उपज होती है, दूध वाला दूध ला लेके आता है, सब्जी वाला सब्जी लेके आता है, जो किसान अनाज पैदा करता है वो मंडियों में अपना अनाज लेकर आता है और उसको आमदनी का पैसा उसको पूरा मिल सके ऐसा काम हो रहा है। तो इस बार इसी तरह धादिया पंचायत में भी हमने लगभग 15 करोड़ का काम किया है, भापुरा में हमने 17 करोड़ का काम किया था, यहाँ पर 15 करोड़ का काम हुआ है और वो पूरा चाहे वो पेयजल से संबंधित हो, चाहे रोड नेटवर्क से संबंधित हो, चाहे चिकित्सा से संबंधित हो, चाहे एजुकेशन से संबंधित हो, हर दृष्टि में वहाँ का काम किया, चाहे पर्यावरण की दृष्टि से हो, चाहे कचरा मुक्त ODF और शौचालय ODF पूरे राजस्थान में ODF हो चुका है, आज कहीं भी कोई बाहर सोच को नहीं जाता है। और जिस तरह से महिलाओं बड़ी संकोच करती थी आज उस महिलाओं को इज्जत बख्शने का काम किया है। UP में शौचालय का नाम इज्जत घर रखा गया। अच्छा, तो प्रधानमंत्री की देन है कि एक कभी गटर बोला जाता था कभी शौचालय बोलने का काम हुआ रहा, वो इज्जत घर का नाम लिया जाता है, महिलाओं को एक बहुत अच्छा सिंबल देने का काम किया है तो प्रधानमंत्री ने। अच्छा, इस बार थे कौन सा गांव चुने हो? इस बार चौथी बार हमने बड़ी काबास अच्छा लिया है और हमने केंद्र सरकार को हमारी अनुशंसा भेज दी है, जल्दी ही हमारी स्वीकृति मिलने के बाद में वहाँ पर काम चालू करेंगे और हर दृष्टि से वहाँ पर एक अच्छा आदर्श गांव बने उसकी योजना तैयार करेंगे। तो अब आर थे बातचीत की शुरुआत में भी कह रहा कि जयपुर जो है पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और पर्यटन ने अगर बढ़ावा मिल लो तो आमदनी भी बढ़ ली, लोगों ने रोजगार भी मिल लो, तो इस दृष्टि से था कि कई कार्य योजना है। देखिए, हमारा यहाँ पर गोविंद देव जी का मंदिर है जी, हमारे चांदपोल हनुमान जी का मंदिर है, हमारा ताड़केश्वर जी का मंदिर है, खोले के हनुमान जी का मंदिर है। तो खोले के हनुमान जी के मंदिर में भी जिस तरह से तत्कालीन सरकार ने 25 करोड़ की लागत से वहाँ पर जो विकास का काम किया है अमृत योजना के तहत और दूसरी योजना के तहत हमने अभी इसको हाथ में लिया है और मैं समझता हूँ कि जल्दी ही यह एक कॉरिडोर बनकर और लोगों को जाने आने में सुविधा होगी, इस तरह का काम करेंगे, वहाँ पर भजन वगैरह सुनने को मिले ऐसा काम होगा और स्मार्ट सिटी के तहत वहाँ पर सब तरह का काम चालू है। मैं समझता हूँ कि एक अच्छा काम यहाँ पर्यटन को और बढ़ावा मिले और अभी मैं समझता हूँ कि ये इसके लिए हमने बहुत अच्छा काम किया है जी। और एक बार जो आप बात कर रहे हैं कि भाई 2 अक्टूबर से प्लास्टिक मुक्त भारत बनाबा की इच्छा न केवल प्रधानमंत्री जी की है बल्कि आम जन भी कटे न कटे नहीं महसूस करे कि भाई प्लास्टिक से तो मुक्त होना ही चाहे, लेकिन वो काम आसान कौन दिख रहे है क्योंकि हर एक की आदत में आ गया है घर से थैलो लेर कौन जावे और बाजार से ही थैली मांग ले, दुकानदार भी कहीं उन्होंने तो धंधो करना थैली देनी पड़े, तो कैन काम हो सी इकतानी कई कार्य योजना बनाई होती। देखिए, हमने अभी आपको मैंने सुबह में भी कहा है और फिर मैं आपसे पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि अवेयरनेस डेवलप करने के लिए हमने थैले बनवाए और 2 अक्टूबर से हम जहाँ जहाँ जाएंगे तो किसी विधानसभा में 1,000, 1,500, 2,000, 5,000 थैले अगर बांटने का काम होगा हर विधानसभा में हम थैले वितरित करेंगे ताकि लोगों की स्वभाव में आए, एक अवेयरनेस डेवलप हो और प्लास्टिक से मुक्ति मिल सके। एक आपने देश की बहुत पूज्य धरोहर बड़ी धरोहर है पूज्य महात्मा गांधी जी और लगभग सभी राजनेता समाज सेवक वहाँ से प्रेरणा लेते रहे हैं
और अगर आप ध्यान सु माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुना तो वहाँ को तो एक एक वाक्य शायद लागे कि पूज्य महात्मा गांधी जी से ही प्रेरित है और वहाँ की 150वीं जन्म शताब्दी आप मनावा जा रहे हैं। तो आपनी जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें कौन कौन सा कार्यक्रम आप तय कर रहे हैं ताकि वहाँ की बात पूज्य महात्मा गांधी जी का जो विचार है सब लोगों तक पहुँचे। ये मैंने अभी आपसे निवेदन किया है कि इसमें 150 किलोमीटर की यात्रा हर सांसद अपने अपने क्षेत्र में करेंगे और मेरे 8 विधानसभाएँ हैं और राजस्थान में सभी लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभाएँ हैं। तो हम हर दिन प्रतिदिन 10 किलोमीटर की यात्रा करेंगे और 10 किलोमीटर की यात्रा से जो जो अवेयरनेस, चाहे वो प्लास्टिक मुक्ति की अवेयरनेस हो, चाहे स्वच्छ भारत की हो, चाहे पर्यावरण की दृष्टि से हो, चाहे वो एजुकेशन की दृष्टि से हो, और जो माननीय प्रधानमंत्री ने 100 दिन में काम किए उन कामों की वहाँ पर विवेचना हो, वो कार्यक्रम नीचे स्तर तक, अंतिम छोर तक, व्यक्ति तक पहुँचे। और जिस तरह से हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो अवधारणा थी कि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति का जब तक विकास नहीं होगा तब तक भारत का विकास नहीं हो सकता, उस अवधारणा को पूरी करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2022 तक नए भारत का निर्माण हो, भारत की आज़ादी के 75 वर्ष 2022 में पूरे हो रहे हैं और 2022 तक नए भारत का निर्माण हो, इस नए भारत में सबको मकान मिले, आवास मिले, सबको गैस का चूल्हा मिले, सिलेंडर मिले, सबको स्वच्छ पानी मिले, सबको बिजली मिले, सबके लिए स्वास्थ्य हो। और मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिस तरह का आयुष्मान भारत की एक परिकल्पना माननीय प्रधानमंत्री ने करके और उसको लागू करने का काम किया है। तत्कालीन हमारे जो मुख्यमंत्री जी थे उन्होंने भी भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का काम चालू कर रखा था पर इस सरकार ने वो भी बंद कर दिया और आयुष्मान भारत का अभी नाम बदल कर और यहाँ लागू किए है वही चीज। अच्छा। पर उन्होंने नाम बदलने की कोशिश की है। मैं समझता हूँ कि जनता के हित में देर दुरुस्त मुख्यमंत्री जी आए हैं, उन्होंने योजना लागू करी है 1 तारीख से जी। उस योजना का लाभ अंतिम तक पहुँचे और ऐसे माननीय प्रधानमंत्री ने 50 करोड़ लोगों के लिए ये योजना बनाई है, इसलिए मैं 10,000 लोग परिवारों को इससे जोड़ा जाएगा। राजस्थान में भी मैं चाहता हूँ, मेरे जयपुर क्षेत्र में भी चाहता हूँ कि हर परिवार में जो इसके लिए लाभान्वित के लिए पूरा कर रहा हो उसको उस योजना से जोड़ा जाए ताकि उसके परिवार में किसी प्रकार की कोई बीमारी हो तो माननीय प्रधानमंत्री का जो 5 लाख रुपये तक का बीमा का काम माननीय प्रधानमंत्री ने लागू किया आयुष्मान भारत से तो उस परिवार को उसका लाभ मिल सके। एक जो आपने माननीय प्रधानमंत्री जी है खुद भी शारीरिक रूप से और हर हिसाब से फिट है और पूरा भारत में भी उम्मीद करें कि भाई पूरा भारत फिट रहे, रिकाता एक फिट इंडिया मूवमेंट चलाए हुए। देखिए कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में हर काम करने में सक्षम कैसे रहे तो उसके लिए स्वास्थ्य बहुत बड़ी जरूरी है और फिट इंडिया के नाम से माननीय प्रधानमंत्री ने लागू किया है। पिछली बार खेलो इंडिया के नाम से माननीय प्रधानमंत्री ने लागू किया था, इस बार उसको फिट इंडिया नाम दिया गया है। तो फिट इंडिया में मैं फिट रहूँगा, मेरा शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो उसके लिए अगर मेरे को मॉर्निंग वॉक करना है, मेरे को एक्सरसाइज करनी है, मेरे को योगा करना है। और मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पिछली बार 21 जून को जो 180 देशों में प्रधानमंत्री जी के यूएनओ में बात रखने के बाद 180 देशों ने इस बात को माना और 180 देश 21 जून को योगा दिवस के रूप में मनाने का काम किया है। तो योग के आधार पर फिट रहने का काम हर दृष्टि से योग करके, व्यायाम करके, वो मॉर्निंग वॉक करके वो फिट रहना चाहे तो फिट इंडिया के नाम से जो माननीय प्रधानमंत्री ने काम नाम दिया है उसको भी हम इस जो हमारी सांसद पैदल यात्रा होगी, पद यात्रा होगी, उसमें हम लोगों को अवेयरनेस डेवलप करेंगे। एक एमपी साहब कही है कि जयपुर राजधानी है अपने राजस्थान की, इस वो कही कि हर आदमी को पग जयपुर में पड़ा ही पड़ा है कोई भी काम से हो, इस वो कही कि यातायात को दबाव लगातार बढ़ रहा है और यातायात को दबाव उतरो बढ़ गया होगा कुछ क्षेत्र जाना गोविंद मार्ग है, शान का इलाका है, चौड़ा रास्ता है, बट तो हमेशा भीड़ लगी रही है, जाम सी लगी रहे हैं, तो इसो निजात पापा कता नहीं कही हो जाए। देखिए मेट्रो का पहला फेज लगभग पूरा हो गया, सेकंड फेज का काम चल रहा है और हम चाहेंगे कि यातायात को ठीक करने के लिए जो हमारे अर्बन सब अर्बन स्टेशन है, जैसे बगरू है, शिवदासपुरा चाकसू है, इधर बस्सी है, इधर चोमू है, चारों क्षेत्रों में सब अर्बन स्टेशन बनके मेट्रो या जयपुर तक आए।
ताकि कंजेशन ख़त्म हो। और आज रोड में अनेक प्रकार के एक्सीडेंट होते हैं, वो भीड़ भाड़ की वजह से होते हैं, अपनी किसी लापरवाही की वजह से हो जाते हैं, तो उन एक्सीडेंटों में भी कमी आएगी, पैसा भी व्यक्तियों का कम लगेगा, पर्यावरण की दृष्टि से वो ठीक होगा, हर दृष्टि से ये ठीक होगा। तो मैं चाहूँगा कि जल्दी ही ये चारों जो स्टेशन सब अर्बन स्टेशन हैं, यहाँ पर मेट्रो का काम चालू हो, और इसके लिए मैं भारत सरकार को, राजस्थान सरकार को आग्रह करूँगा कि जल्दी से जल्दी ये काम चालू हो। और इस बार मुझे वापस अर्बन डेवलपमेंट में लिया गया है, सदस्य के रूप में लिया गया है, तो मैं मेरी पुरजोर शब्दों में ये बात रखूँगा ताकि यहाँ पर सब अर्बन स्टेशन से मेट्रो का जुड़ाव हो। मैं इस जब आपने ये कंजेशन की बात की है, यातायात के दबाव की बात की है, मैं कहना चाहूँगा कि पिछली बार और इस बार दोनों बार हमने जो सब अर्बन स्टेशन हमारा, चाहे गांधीनगर है, चाहे हमारा दुर्गापुरा है, चाहे हमारा जगतपुरा है, चाहे हमारा कनकपुरा है, इन स्टेशनों पर ट्रेनें रोकने का काम किया है, ताकि उन लोगों को जयपुर स्टेशन, मेन स्टेशन पर आने की आवश्यकता नहीं पड़े जी। और वो जहाँ गांधीनगर साइड का रहने वाला, तो गांधीनगर से ही वो उतर के वहाँ जा सकता है, उसका पैसा भी कम लगेगा, समय भी कम लगेगा, और पर्यावरण जिस तरह से वो टैक्सी से आएगा, ऑटो से आएगा, तो पोल्यूशन फैलेगा और उससे पर्यावरण भी ठीक रहेगा। तो हमने ये कंजेशन ख़त्म करने के लिए भी काम किया है। जयपुर से सवाई माधोपुर हमने रेलवे लाइन को इलेक्ट्रीफाई कराने का काम किया है, जल्दी ही वो तैयार हो जाएगी। दिल्ली से अहमदाबाद हमने इलेक्ट्रीफाई कराने का काम किया है, वो जल्दी ही तैयार हो रही है, ये काम हो जाएगा। हमने जयपुर से सवाई माधोपुर को डबलिंग लाइन में कराने का काम किया है, वो काम DPR बन के जल्दी ही वो चालू होने वाला है। और खातीपुरा में हम कोच मेंटेनेंस का जो कारखाना लगवा रहे हैं, इस कारखाने से लोगों को रोज़गार मिलेगा और वहाँ की आबादी को, वहाँ के लोगों को एक अच्छी सुविधा मिलेगी, ऐसा काम भी हम कर रहे हैं। तो सांसद महोदय, अब तो देखो वक्त भी धीरे धीरे कार्यक्रम को समाप्त होने पर जा रही है, और कोई बात है जो था कि और सो जनता ने खेवो छो, और जनता से कोई अपील करवो छो तो बताओ। मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि मुझे मौका मिला है आपकी सेवा करने का, इसमें जो भी मेरे सामने जो समस्या आएंगी, ये आपके द्वारा बताए गए काम होंगे, उन कामों को पूरा कराने में मैं आपके साथ 24 घंटा 365 दिन जुड़ा रहूँगा, और इसी आशा विश्वास के साथ आपको आशीर्वाद लेकर काम करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने लोकप्रिय सांसद जयपुर शहर का श्री रामचरण जी बोरा साहब, आप मका कार्यक्रम में पधारे, बहुत चौकी, बहुत उपयोगी और बहुत काम की जानकारी दी, था घना घना धन्यवाद। चौपाल रो बखत हो रे पूरो, दियो इजाजत, राम राम।